पेश करता हूं कि जो कल थी शान वही अब भी शान बाकी है, जो कल थी शान वही अब भी शान बाकी है, नबी के आल का नामो निशान बाकी है। जो कल थी शान वही अब भी शान बाकी है, नबी के आल का नामो निशान बाकी है। तेरी तो मिट गई नस्लें भी मोतमद बिल्ला, परस्करी का अभी खानदान बाकी है। नस्लें भी मोतमद बिल्ला, परस्करी का अभी खानदान बाकी है, परस्करी का अभी खानदान बाकी है। चार मिसरा और हालात हाजरा पेश कर रहा हूं कि नबी की बात अगर मानते मुसलमानों, नबी की बात अगर मानते मुसलमानों तो अपने राह के कांटों को फूल कर लेते, नबी की बात अगर मानते मुसलमानों तो अपने राह के कांटों को फूल कर लेते। ये रोज रोज न बनते नए नए फिरके, अगर अली की विलायत कबूल कर ले। ये रोज रोज न बनते नए नए फिरते, ये रोज रोज न बनते नए नए फिरते, अगर अली की विलायत कबूल कर लेते, अगर अली की विलायत कबूल कर लेते। देखिए पूरी तरह से अभी बेदार नहीं हुए आप हजरात, कामयाब साहब आप तो बहुत कामयाब हो चुके हैं। और मैं चार मिसरे जो आप सुनना चाह रहे हैं हालात हाजरा क़िबला पेश कर दे रहा हूं कि जरा ये सोच अमरीका, जरा ये सोच इसराइल। चारों मिसरे मुझे यकीन है कि पूरी तरह से जुड़ जाएंगे आप हजरात। जरा ये सोच अमरीका, जरा ये सोच इसराइल, दिखा दें हम अगर अंदाजे तूफानी तो क्या होगा। अगर हकीकत हो तो आखिरी मजमे तक दुआ सुनवा दीजिएगा कि जरा ये सोच अमरीका, जरा ये सोच इसराइल, दिखा दें हम अगर अंदाजे तूफानी तो क्या होगा। तुम्हारी एक अकेले ने ही जब औकात बदला दी, करोड़ों बन गए कासिम सुलेमानी तो क्या। देखिए इधर का मजमा थोड़ा सा भी खामोश है, माशाल्लाह इधर का पूरा बोल रहा है। और चार मिसरे पेश कर रहा हूं, हकीकत बयान कर रहा हूं, अगर बात पहुंच जाए तो दुआ से नमाज दीजिए। अगर ये चारों मिसरे कुछ नई बात हो तो दुआ से नमाज दीजिएगा कि तू मुनाफिक है ये पैगाम से डर जाता है, तू मुनाफिक है ये पैगाम से डर जाता है, आज भी फातिमी अय्याम से डर जाता है। तू मुनाफिक है ये पैगाम से डर जाता है, आज भी फातिमी अय्याम से डर जाता है। जब तेरा कातिले जहरा से नहीं है रिश्ता, फिर तू लानत के क्यों अंजाम से डर जाता है। जब तेरा कातिले जहरा से नहीं है रिश्ता, जब तेरा कातिले जहरा से नहीं है रिश्ता, फिर तू लानत के क्यों अंजाम से डर जाता है, फिर तू लानत के क्यों अंजाम से डर जाता है। और एक रदीब पेश करना चाह रहा हूँ, साल जो मैंने कही थी नई रदीब, क्योंकि मुसलसल आना होता रहता है इसलिए पुराना पढ़ ही नहीं सकता, गुंजाइश नहीं, बिल्कुल नया जितना भी शेर पढ़ रहा हूँ बिल्कुल नया पढ़ रहा हूँ। इस यहाँ पर मतलब हाजिर है कि कौन कहता है कि शह का मातमी खतरे में है। हसीब भाई रदीब पे खास तौर से, कौन कहता है कि शह का मातमी खतरे में है, जो अजादारों से उलझा बस वही खतरे में है। कौन कहता है कि शह का मातमी खतरे में है, जो अजादारों से उलझा बस वही खतरे में है। नारे हैदर लगा के खून की खुशियां बांट लो दुश्मनों, वरना तुम्हारी हर खुशी खतरे में है। कौन कहता है कि शह का मातमी खतरे में है, जो अजादारों से उलझा बस वही खतरे में है। नारे हैदर लगा के खून की खुशियां बांट लो दुश्मनों, वरना तुम्हारी हर खुशी खतरे में है। हुर यही कहता हुआ पहुंचा दरे तकबीर पर,
हुर यही कहता हुआ पहुंचा दरे शब्बीर पर, मौत इत्मीनान में है, जिंदगी खतरे में है। हुर यही कहता हुआ पहुंचा दरे शब्बीर पर मौत इत्मीनान में है, जिंदगी खतरे में है। तुम मुसल्ले पे नहीं रखते कभी खाके शफा, ऐ मुसलमानों तुम्हारी बंदगी खतरे में है। तुम मुसल्ले पे नहीं रखते कभी खाके शफा ऐ मुसलमानों तुम्हारी बंदगी खतरे में है। आ रहा है छह महीने का अली है हुरमुला। तू भी खतरे में है, तेरी फौज भी खतरे में है। देखिए मैंने जितने शेर पढ़े हैं, ये आखिरी के दो शेर पढ़ने के लिए, जितने भी शेर सुनाए तमहीद के तौर पर, ये आखिरी दो शेर पढ़ने के लिए। कौन कहता है कि शह का मातमी खतरे में है, जो अजादारों से उलझा बस वही खतरे में है। नारे हैदर लगा के खून की खुशियां बांट लो दुश्मनों, वरना तुम्हारी हर खुशी खतरे में है। हुर यही कहता हुआ पहुंचा दरे शब्बीर पर, मौत इत्मीनान में है, जिंदगी खतरे में है। आ रहा है छह महीने का अली है हुरमुला, तू भी खतरे में है, तेरी फौज भी खतरे में है। जो अजा खाने में है वो नूह की कश्ती में है। जो अजा खाने के बाहर है वही खतरे में है। जो अजा खाने के बाहर है वही खतरे में है। परचमे गाजी नहीं गुजरा जिधर से आज तक, वो इलाका वो मोहल्ला वो गली खतरे में है। परचम गाजी नहीं गुजरा जिधर से आज तक, वो इलाका वो मोहल्ला वो गली खतरे में है। अच्छा वो भी नया कहा है, मैंने भी अच्छे से मुझे याद भी रवा भी नहीं कर पाया हूँ। खैर बिल्कुल ताजा भी, 3-4-5 रोज पहले मैंने कहा, मैंने मोबाइल पर जना भाई को सुनाया था, मैं अभी रवा भी नहीं कर पाया हूँ, मगर हुक्म है इनका तो पढ़ दे रहा हूँ मैं। और बिल्कुल ताजा कलाम है, इतना ताजा है कि धुआं निकल रहा है, इतना ताजा है भी ये कलाम। तो हैं अभी चार मिसरे, एक नए ख्याल जी बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और एक ख्याल पेश करना चाहता हूँ इमाम जमाना की बारगाह में, क्योंकि उनके वालिद का जश्न मनाया जा रहा है। चार मिसरे अगर कोई नई बात हो तो दुआ से नवाब दीजिएगा कि होगा आलम एक हाथ में और एक में जुल्फकार। कशिश भाई अगर नई बात हो तो दुआ से नवाजिएगा कि होगा आलम एक हाथ में और एक में जुल्फकार, लाएंगे वो अली की विरासत भी साथ में। होगा सुनिए तीसरा चौथा मित्रा इंशाल्लाह याद रहेगा कि होगा आलम एक हाथ में और एक में जुल्फकार, लाएंगे वो अली की विरासत भी साथ में। काबे से आके देंगे वो इस बात की दलील, दादा की जायदाद है पोते के हाथ में। होगा आलम एक हाथ में और एक में जुल्फकार, लाएंगे वो अली की विरासत भी साथ में। काबे से आके देंगे वो इस बात की दलील, दादा की जायदाद है पोते के हाथ में। काबे से आके देंगे वो इस बात की दलील, दादा की जायदाद है पोते के हाथ में। जमाने में इमामे वक्त के नायब से गाफिल हो, मिजाज का शेर पढ़ने जा रहा हूँ, शिमला इजाजत चाहता हूँ। अगर बात हकीकत हो तो घुटनों पे दाद चाहिए मुझे, अगर मैंने कोई बात पहुंचा दी हो और हकीकत कह दिया हो मैंने। जमाने में इमामे वक्त के नायब से गाफिल हो, तुम्हारी नस्ल भी जाहिल है और खुद तुम भी जाहिल हो।
जमाने में इमाम वक्त के नायब से गाफिल हो, तुम्हारी नस्ल भी जाहिल है और खुद तुम भी जाहिल हो। खिलाफ खामनाई मुनकर तकलीद अफवाही, हकीकत ये है तुम मकसद में अमरीका के शामिल हो। नायब से गाफिल हो, तुम्हारी नस्ल भी जाहिल है और तुम खुद भी जाहिल हो। खिलाफ खामनाई मुनकर तकलीद अखबारी, हकीकत यह है तुम मकसद में अमरीका के शामिल हो। खिलाफ खामनाई मुनकर तकलीद अखबारी, बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत शुक्रिया। जमाने में इमाम वक्त के नायब से गाफिल हो, जमाने में इमाम वक्त के नायब से गाफिल हो, तुम्हारी नस्ल भी जाहिल है और तुम खुद भी जाहिल हो। खिलाफ खामनाई मुनकर तकलीद अखबारी, हकीकत यह है तुम मकसद में अमरीका के शामिल हो। खिलाफ खामनाई मुनकर तकलीद अखबारी, हकीकत यह है तुम मकसद में अमरीका के शामिल हो। बड़े भाई जना जफराबादी का हुक्म है, बिल्कुल नया कलाम पेश कर दे रहा हूँ हुजूर। इजाजत चाहता हूँ कि शब्बीर और नबी का सफीना है साथ में, शब्बीर और नबी का सफीना है साथ में, हर वक्त करबला के मदीना है साथ में। सुन लीजिए, थोड़ा शायरी भी सुन लीजिए आप, थोड़ा सा मेरा साथ बेदार हो जाएगी। ये आखिरी कलाम पढ़ रहा हूँ, अगर कोई नई बात हो सुनिए ये शेर। शब्बीर और नबी का सफीना है साथ में, हर वक्त करबला के मदीना है साथ में, अब्बास से अली ना जुदा हूं इसीलिए, शाबान और रजब का महीना है साथ। अब्बास से अली न जुदा हूं इसीलिए, अब्बास से अली न जुदा हूं इसीलिए, शाबान और रजब का महीना है साथ में, शाबान और रजब का महीना है साथ में। बोले हबीब चूम के बचपन में सह का हाथ, बोले हबीब चूम के बचपन में सह का हाथ, मरना है हमको साथ में जीना है। शोराए अकराम बैठे हुए हैं और क़िबला लोग भी, उलमाए अकराम भी बैठे हुए हैं, समझ सकते हैं कितना मुश्किल काफिया है। ये मैंने कैद में रहकर मैंने मुहावरा है, समझ सकते हैं कशिद भाई और जो भी शोराए अकराम है, मैंने बहुत मुश्किल से ये मुहावरा इस्तेमाल किया है। मौला सलामत रखे आप सब हजरात को, सलामत रहिए। अब्बास से अली न जुदा हूँ इसीलिए, शाबान और रजब का महीना है साथ में, बोले हबीब चूम के बचपन में शह का हाथ, मरना है हमको साथ में जीना है साथ में। अय कब्र खाऊं तेरे अंधेरों का खौफ क्यों, अय कब्र खाऊं तेरे अंधेरों का खौफ क्यों, आंसू का बेमिसाल नगीना है साथ में। खाऊं तेरे अंधेरों का खौफ क्यों, अय कब्र, आपके मिजाज का शेर पढ़ने जा रहा हूँ, सुना कामयाब साहब के। अय कब्र खाऊं तेरे अंधेरों का खौफ क्यों, आंसू का बेमिसाल नगीना है साथ में। बस जिंदगी ही छीनी नहीं फौजे शाम की, दरिया को भी दिलेर ने छीना है साथ में। बस जिंदगी ही छीनी नहीं फौजे शाम की, बस जिंदगी ही छीनी नहीं फौजे शाम की, दरिया को भी दिलेर ने छीना है साथ में, दरिया को भी दिलेर ने छीना है साथ में। कोई मिटा ना पाएगा ये जिक्र करबला, कोई मिटा ना पाएगा ये जिक्र करबला, भाई का खून बहन का पसीना है साथ में। कोई मिटा ना पाएगा ये जिक्र करबला, भाई का खून बहन का पसीना है साथ में। बहता रहा ये सोच के सरवर का हौसला, बहता रहा ये सोच के सरवर का हौसला, अकबर से नौजवान का सीना है साथ में। शेर पढ़ दिया भाई मैंने, आखिरी शेर, जितने शेर भी पढ़े ये आखिरी शेर की तमीद के लिए, काफिये के साथ इंसाफ हुआ हो तो दुआ से नवाजिएगा। आखिरी शेर के, शाबान और रजब का महीना है साथ में,
बोले हबीब चूम के बचपन में शहर का हाथ, मरना है हमको साथ में, जीना है साथ में, बढ़ता रहा ये सोच के सरवर का हौसला, अकबर से नौजवान का सीना है साथ में, अकबर से नौजवान का सीना है साथ में, आबिद को ए यजीद अकेला न तू समझ, एक इनकलाब बन के सकीना है साथ में। आबिद को ए यजीद अकेला न तू समझ, एक इनकलाब बन के सकीना है साथ में, एक इनकलाब बन के सकीना है साथ में, आबिद को ए यजीद अकेला न तू समझ, एक इनकलाब बन के सकीना है साथ में। बस हजरात आखिरी में चार मिसरे और पेश करता चलूं कि नजर में दुश्मन शब्बीर की तादाद रखेगा, नजर में दुश्मन शब्बीर की तादाद रखेगा, इमाम वक्त है कातिल का चेहरा याद रखेगा, नजर में दुश्मन शब्बीर की तादाद रखेगा, इमाम वक्त है कातिल का चेहरा याद रखेगा, मुझे पूरा यकीन है एक दिन है फातिमा जहरा तेरे रोजे की तेरा लाल ही बुनियाद रखेगा। मुझे पूरा यकीन है एक दिन है फातिमा जहरा तेरे रोजे की तेरा लाल ही बुनियाद रखेगा।